पेज के अंदर डाल के हल्का सा पेज के अंदर डाल के चार तो घुमा देना है तो सील। ये देखिए स्विफ्ट का इंजन है, मारुति सुजुकी ब्रिटिश है, स्विफ्ट का इंजन है, चार सिलेंडर। तो इसमें देख सकते हो प्रॉब्लम क्या है, देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से इसकी सील लीक है। तो अभी हम इसकी सील डालेंगे, इसमें सील लीक करके इसकी है, देख सकते हो पूरा ऑयल ऑयल हो रहा है इधर। तो इसकी हम सील डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सील निकालेंगे, आपको दिखा दें किस तरीके से सील निकाली जाती है। तो हम इसको पेच कर लगा के यहाँ पर देखिए पेच कैसे यहाँ पर लगाएंगे और इसको सील को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो अभी हम पेच कर लगा के सील को बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी सील बाहर निकाल के अभी आपको दिखा रहे, ठीक। इसकी सील निकाल दी है, ये इसकी सील है, देख सकते हो। तो अभी सील हम नहीं डालेंगे, फिर अभी आपको दिखाएंगे, ठीक। पर इसकी सफाई उपाई करके सील नहीं डालेंगे, किस तरीके से सील डालेंगे फिर अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से सील डालना चाहिए इसकी, ठीक। ये सील है, ले आए हम ओरिजिनल MGP की है, और इसकी पुरानी सील है। तो हमने इसको जहाँ पर ये लगता है वहाँ पर एरिया हमने साफ कर लिया था बिल्कुल, ये देख सकते हो चमक गया है, देख सकते हो बिल्कुल ओके है। तो अभी हम सील इसकी लगाने जा रहे हैं, ये इसकी सील है, हम लगाएंगे। जो अभी आपको दिखाएंगे, पहले आपको बता दी यहाँ पर इसके चारों ओर पहले बोंड हम लगाएंगे, बोंड लगा के फिर अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ठोकनी चाहिए। ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें बोंड लगा ली है, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और आपको क्या करना है, यहाँ पर पेचकस लेना हल्का बारीक सा, और इसके चारों तरफ घुमा देना है। चारों तरफ घुमा दोगे तो सील आराम से बैठ जाएगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रख के इसके पेचकस अंदर डाल के हल्का सा पेच के अंदर डाल के चारों तरफ घुमा देना है, तो सील अंदर ग्रूव में बैठ जाएगी, फिर आराम से ठोक जाएगी। पहले अंदर बैठा लेंगे, अभी आपको फिर दिखा रहे, ठीक। देखिए मैंने सील इसकी लगा दी है, फिट हो गई बिल्कुल ओके। बोंड हमने लगा ली थी, आपको ध्यान रखना हल्की हल्की ऊपर से बोंड लगा लो तो लगा लेना चाहिए, ठीक। तो मैंने लगा लिए बोंड, तो अब इस पर हल्की हल्की इसके ऊपर से बोंड लगा देंगे, चारों तरफ ऊपर से बोंड लगा देंगे, जो यहाँ से सील बाहर ना आए, ठीक। तो हल्की हल्की बोंड लगा देंगे चारों तरफ इसके, फिर आगे फिटिंग आपको दिखाएंगे, ठीक। देख सकते हो हमने हल्की हल्की बोंड लगा दी इसके चारों तरफ सील के उधर एरिया में, जो इसकी सील चले गाड़ी स्टार्ट हो तो करेंगे हमें सील बाहर ना आ जाए, ठीक। तो इसलिए हमने इसके ऊपर बोंड लगा दी, चारों तरफ बोंड लग गई है ओके। तो सील भी अच्छे से ठुक गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके। तो देख सकते हो इसी तरीके से आप सील ठोक सकते हो, ठीक है ओके। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।